बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। वो जरा वो देखो, रेगिस्तान में बारिश। मैं तो रेगिस्तान में फोटोग्राफी करने आई थी। हाँ, पर आई होप तुम अपना वाटरप्रूफ कैमरा साथ लाई हो। हमें वापस चलना चाहिए, मौसम खराब लग रहा है। चलो भी यार, मजा आएगा, धमाल करेंगे। अरे घबराओ मत, बस जरा सी बारिश है डोना, क्या कहते हो दोस्त? चल यार। डेविड रुको प्लीज। ओह मैन, अरे बाप रे, ये क्या है? ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है। वो पानी सीधे हमारी तरफ ही आ रहा है। चल यार निकल यहाँ से। चालीस दिन की लगातार तेज बारिश से इस धरती पर एक ऐसा तूफान आएगा जो इंसान और इंसान की बनाई हर चीज को तबाह कर देगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है पैसिफिक ओशन से। यह तूफान जापान, चीन और भारत को तबाह करके आगे बढ़ रहा है। लोग इस तूफान से अपनी जान बचाने के प्रयास में लगे हुए हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि इस धरती का विनाश पानी से होगा, पानी से होगा। उन्हें सारी जानकारी अभी भेज दो, मैं यहाँ वापस नहीं आना चाहता। हम वापस कभी नहीं आएंगे। मुझे पूरा यकीन है वो हमें जरूर वापस भेजेंगे और कहेंगे कि हम गलत जगह पर गए थे। मैं जीपीएस डेटा के साथ फोटोग्राफ्स भी भेज रहा हूँ, उन्हें हमारी बात माननी ही पड़ेगी। ओके, नाउ आई एम सेंडिंग इट। ऑलराइट, हो गया काम। ओके, डेटा गया, चलो देखते हैं। चलो दोस्तों, काम हो गया, चलो। कैप्टन, कुछ नजर नहीं आ रहा, ऊपर से रडार पर भी कुछ नहीं दिख रहा, प्लेन नीचे लेते हैं। अरे देखो वो क्या है, ऊपर लो, ऊपर लो। Thank you. ये मजाक का वक्त नहीं है टिसा,
तुम इतने स्ट्रेस्ड लग रहे हो कि यही मजाक का वक्त है। चलो। कहाँ चलो, मुझे अभी यहाँ ध्यान देना है। तुम्हारे पास अपनी वाइफ के लिए 15 मिनट नहीं है? इतना बिजी रहना भी बहुत ही बुरी बात है सर। ओके ठीक है, 15 मिनट बस उतना ही, समझ गए? यस सर ल्यूटेनेंट। तो चलो। चलो भी। हम जा कहाँ रहे हैं? देख लेना, एक सरप्राइज है। क्या अभी और सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी? हाँ हाँ। तो क्या हो गया, इतना भी मुश्किल नहीं है। वाओ, ये तो वाकई सरप्राइज है, खास तुम्हारे लिए। दूसरे कपल्स इसे डेट कहते हैं। हमें एक साथ बैठकर खाना खाए कितना वक्त हो गया, हम दोनों कितने बिजी हो गए हैं। तुम अपने टर्बाइन डिजाइन में, मैं अपने लैब में। मुझे लगता है एक साथ वक्त बिताना भी जरूरी है, खासकर अब जबकि हमारा जॉन। देखो, ये क्या? इस तूफान को आने में तो एक हफ्ता बचा है, ये इतना जल्दी कैसे आ गया? लगता है कहीं कुछ गड़बड़ हो गई है। जो भी हो, हमें जल्दी कुछ करना होगा। चलो सबको ब्रीफिंग के लिए इकट्ठा करते। हाँ, चलो। आप सब जानते हैं कि अभी हम भयानक तबाही की कगार पर हैं। देखिए, यह है सेंट्रल अफ्रीका, जो कभी रेगिस्तान हुआ करता था, अब वो एक समंदर बन गया है। वो तूफान इजिप्ट के नॉर्दर्न कोस्ट से शुरू हुआ है, पर उसके बाहरी बैंड्स हम तक पहुंच भी गए हैं। इस वक्त तो बहुत ही हल्की बारिश हो रही है, पर तूफान के बढ़ने से वो बहुत ही भयानक बौछार में बदल सकती है। अभी बारिश 2 इंच प्रति घंटे के हिसाब से हो रही है। पर हमें तो कहा गया था कि तूफान का असर 2 हफ्ते बाद दिखाई देगा, फिर ऐसा कैसे हो गया? वो बढ़ता जा रहा है बहुत ही ज्यादा रफ्तार से। सही कहा डॉक्टर निकल्स, तूफान हर दिशा में करीब 200 मील की रफ्तार से बढ़ रहा है हर दिन, और उसके धीमे होने के आसार नजर नहीं आ रहे। अभी तक हासिल हुई जानकारी के मुताबिक 5 हफ्तों में वो पूरे ग्रह पर छा जाएगा। कॉर्पोरल। जी सर। मुझे तूफान के लेटेस्ट कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ठीक है, अभी निकालता हूं। ये लीजिए सर। तीन साल के प्रोजेक्ट का ये दूसरा साल है और आप हमें आग को पूरा करने के लिए 35 दिन दे रहे हैं। शुक्र मनाओ कि हमें इतना वक्त भी मिल रहा है। नेवी वालों की वजह से हमें जिंदा रहने का मौका मिल रहा है। पर आर्क में अभी क्या क्या करना बाकी है? हमें मेटल शील्डिंग का काम करना है, इंटीरियर्स बाकी है, प्रोपेलर्स भी लगाने हैं और टर्बाइन्स का काम भी बाकी है। राइट। आज सुबह उसका डिजाइन तैयार हो गया है सर।